हमारे इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में कॉम्पैक्ट एसयूवी लो या फिर थोड़ी सी उसके ऊपर वाले सेगमेंट की एसयूवी लो, वो सब बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है। मतलब कि हर किसी को एसयूवी चाहिए, कोई भी को देख लो आप, अगर उनका बजट 10 लाख तक का होगा या फिर 15 लाख या फिर 20 लाख, हर किसी को भैया एसयूवी चाहिए। कि वो लोग अगर नई गाड़ी देखने जाते हैं तो सबसे पहली प्रायोरिटी की लिस्ट में होती है एसयूवी। अब ऐसे में कॉम्पैक्ट एसयूवी का सेगमेंट फुलो फुल फुल मतलब भर चुका है कंपटीशन से। बहुत एक से एक तगड़ी तगड़ी गाड़ियाँ वहाँ पे मौजूद है, आपको मिल जाएगी। उसके ऊपर वाले सेगमेंट में जाओगे तो वहाँ पे भी बहुत सारी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ आपको मिल जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की, और उसके ऊपर के सेगमेंट मतलब कि जिस सेगमेंट में क्रेटा सेल्टोस आती है उस सेगमेंट की। अब बात करें वो वाले ऊपर वाले सेगमेंट की, तो वहाँ पे आपको भरपूर फीचर्स वाली गाड़ियाँ मिलती है, भरपूर ऐसी गाड़ियाँ मिलती है जो आपको बहुत अच्छा पैकेज देती है। लेकिन कुछ ही चुनिंदा ऐसी गाड़ियाँ हैं जो आपको सेफ्टी प्रोवाइड करती है इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी। अगर हम बात करें कुशाक की या फिर टाइगन की, तो वो गाड़ियाँ आपको बहुत तगड़ी बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड करती है, लेकिन वो ओवर प्राइस थोड़ी सी हो जाती है, क्योंकि एक तो सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ में आती है और ओवर प्राइस होने की वजह से अच्छे से कॉम्पीट नहीं कर पा रही ये दोनों गाड़ियाँ ह्युंडई क्रेटा और किया सेल्टोस से। अब ऐसे में टाटा भी भैया अपनी नई गाड़ी को लेके आ रही है बहुत जल्द, नाम होगा ब्लैकबर्ड। टाटा ब्लैकबर्ड एसयूवी लॉन्च की जाने वाली है 2022 के दिसंबर में, या फिर हो सकता है 2023 के स्टार्टिंग में कर दे। लेकिन इस वीडियो में टाटा ब्लैकबर्ड के बारे में हम आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाले हैं, तो कहीं जाइएगा मत, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको इस गाड़ी के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये होगा इस वीडियो का कि ये गाड़ी किसी सेगमेंट के अंदर नहीं आने वाली, ये गाड़ी शायद हो सकता है खुद अपना सेगमेंट क्रिएट करे, मतलब कि अपने सेगमेंट में ये पहली गाड़ी हो सकती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो आपको अभी आगे चल के पता चल जाएगा। अब इस गाड़ी की बात करते हैं तो ब्लैकबर्ड जो होगी उसके साथ में आपको एसयूवी कैरेक्टर ही मिलेंगे, क्योंकि एसयूवी सेगमेंट के अंदर आने वाली है। लेकिन बात करें कौन से सेगमेंट के अंदर आएगी, तो नेक्सॉन वाले में नहीं आएगी, और मैं आपको बता दूँ कि क्रेटा वाले में भी नहीं आएगी। ये कहाँ बैठेगी, तो ये नेक्सॉन और जो क्रेटा वाला सेगमेंट में है, नेक्सॉन और क्रेटा वाले सेगमेंट के बीच में ये भैया बैठेगी। मतलब कि ये गाड़ी को लॉन्च किया जाएगा नेक्सॉन और क्रेटा वाले सेगमेंट की बीच वाली रेंज के अंदर। इससे अफेक्ट ये होगा कि जिन लोगों का बजट ज़्यादा नहीं होता वो लोगों को ऊपर वाले सेगमेंट के फिर लोअर वेरिएंट वाली गाड़ियाँ लेनी पड़ती है। जिन लोगों को ज़्यादा होता है बजट, उन लोगों को फिर ऐसा होता है कि नीचे वाले सेगमेंट की टॉप एंड गाड़ियाँ मिलती है, तो वो लोग फिर वो उठा लेते हैं। लेकिन इस गाड़ी के आने के बाद कई सारे कस्टमर्स के वो ऑप्शन हट जाएगी और ये गाड़ी वो क्लियरली चूज़ कर पाएंगे। अब इस गाड़ी में क्या कुछ होने वाला है उसकी बात करने वाले, तो गाड़ी के अंदर सबसे पहले एक्सटीरियर में बात करें तो फ्रंट एंड डिज़ाइन में तो अभी तक तो आपने स्पाइड होते हुए हमने देखा है गाड़ी को इंडिया में, लेकिन फुल्ली डिज़ाइन रिवील नहीं हुए। हालांकि कुछ कुछ फोटोग्राफ्स आप इस वीडियो के अंदर देख पाओगे, जो अभी आपने आगे भी देखे और आगे वीडियो के आगे भी आप देख पाओगे। उस हिसाब से बात करें तो टिपिकल जो कैरेक्टर वाली लैंग्वेज है, डिज़ाइन लैंग्वेज टाटा की अपनी एसयूवीज के साथ में रही है, जैसा हमने हैरियर सफारी के साथ में देखा, जो स्प्लिट हेडलैम्प्स का सेटअप है वैसा ही कुछ ब्लैकबर्ड के साथ में होने वाला है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकता है कि टाटा अपना लोगो चेंज करके नया लोगो की डिज़ाइन जो है वो ब्लैकबर्ड के साथ में इंट्रोड्यूस कर दे, उस पर कोई कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन वो इंटरेस्टिंग पार्ट है। देखना होगा कि कब ये सब इस पर रिएक्ट करती है टाटा मोटर्स। कमिंग बैक टू द ब्लैकबर्ड, एक्सटीरियर की बात कर रहे थे तो स्प्लिट हेडलैम्प्स आपको मिलेंगे, जैसे कैरेक्टर के साथ में हमें हैरियर के साथ में देखने को मिले थे, सेम वैसे कैरेक्टर डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगी जो टाटा की एसयूवीज के साथ में आजकल कंटिन्यू की जा रही है, मतलब कि वो फ्यूचर में भी टाटा उसको कंटिन्यू करने वाली है। उसके अलावा आपको स्टाइलिश अलॉय व्हील्स मिलने वाला है, जैसे हमने गाड़ी को स्पाइड किया है उस वक्त गाड़ी में जो अलॉय व्हील्स लग रखे थे वो भैया हैरियर से भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे। अब गाड़ी लॉन्च होगी तब क्या होगा वो तो पता नहीं, लेकिन अभी तक तो बहुत सब सही जा रहा है इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन। रियर की बात करें तो रियर में भी वो उपसा हुआ भाग जो हमने हैरियर के साथ में देखा था, जो एकदम से मतलब पीछे से अग्रेशन वाली लुक देता था, कट्स एंड क्रीसिस गाड़ी के अंदर ज़्यादा थे, रियर वाला बम्पर थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा हुआ था, थोड़ा सा इंक्लाइन रखा हुआ था, वही सब कैरेक्टर आपको इस गाड़ी में भी देखने को मिलेंगे। मतलब कि आपको ये गाड़ी किसी भी एंगल से छोटी नहीं लगने वाली। इसकी लेंथ वगैरह की मैं बात करूँ तो ये 4.3 मीटर के सेगमेंट में आने वाली है, तो ये सब 4 मीटर में नहीं आएगी, लेकिन बहुत लंबी भी नहीं आएगी जितनी हैरियर है।
तो आप मान के चलो ये हैरियर और नेक्सॉन के बीच में आने वाली है और कम्पीट करेगी क्रेटा वगैरह से। मैंने आपको अभी बोला था कि ये क्रेटा और नेक्सॉन के बीच में आने वाली है, ऐसा मैंने इसलिए बोला था कि अभी मैं आगे आपको प्राइजेस बताने वाला हूँ इसकी एक्सपेक्टेड प्राइजेस, उस वजह से मैंने आपको ऐसा बोला था। लेकिन आप मान के चल सकते हो कि ये गाड़ी हैरियर और नेक्सॉन के बीच वाले सेगमेंट के अंदर आने वाली है और ये गाड़ी टाटा की होने वाली है, तो भैया वो वहाँ पे एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी जो कस्टमर्स को फेस करनी पड़ रही थी। लोगों को 20-21 लाख पे करने पड़ रहे थे अच्छी बिल्ड क्वालिटी के लिए, जो वो लोग स्कॉडा कुशाक और फॉक्सवैगन टाइगर ले रहे थे उतने में सिर्फ पेट्रोल के साथ में, वो अब नहीं रहेगी क्योंकि टाटा की ब्लैकबर्ड आ जाएगी। तो टाटा है तो हम आप मान के चलो 4 या 5 स्टार तो लेके ही आएंगी, साथ ही में पेट्रोल डीजल सभी इंजन ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो भैया वो तो अच्छा ही रहने वाला है। अभी आगे मैं इसकी प्राइजेस भी बताने वाला हूँ, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। बात करते हैं इंजन ऑप्शंस की, तो 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल आपको इसमें मिलेगा जो नेक्सॉन के साथ में अभी कंटिन्यू किया जा रहा है, साथ ही में 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन मिलेगा और साथ ही में उम्मीद है कि 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन भी टाटा इसमें इंट्रोड्यूस कर दे, या फिर हो सकता है कि अपना जो प्रोडक्शन है उसको नए नए इंजन्स को इस गाड़ी के साथ में सबसे पहले लॉन्च करके वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा, लेकिन अभी तक उस पे कंफर्मेशन नहीं है। अभी दो इंजन ऑप्शंस पे कंफर्मेशन है भैया, 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर टर्बो चार्ज डीजल। गेयरबॉक्स की बात करें तो 6-स्पीड मैनुअल 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर डीजल का, और पेट्रोल का अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन 99% आपको टॉर्क कन्वर्टर मिलने वाला है जो नेक्सॉन के साथ में भी आने वाला है, नेक्सॉन फेसलिफ्ट। आपको उसकी वीडियो चाहिए तो फिर हमारे प्लेलिस्ट को चेक ज़रूर करना, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। अगर नहीं मिलेगी तो थोड़े दिन रुक जाना, क्योंकि जब हम ये वीडियो बना रहे हैं उसके बाद वो भी हम बनाने वाले हैं, तो थोड़े दिन रुक जाना या फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको अपडेट्स मिल जाएगी ऐसी वीडियोज़, क्योंकि हमारे चैनल पर आती रहती है। अब बात करते हैं ब्लैकबर्ड लॉन्च कब होगी, तो इसकी लॉन्च टाइमलाइन जो है वो 2022 का दिसंबर है, या फिर हो सकता है 2023 का फरवरी तक आ जाए। अब बात करते हैं इसकी प्राइजिंग के बारे में, तो प्राइजिंग जो है भैया बहुत इफ़ेक्टिव होने वाली है गाड़ी की, जो गाड़ी के बहुत एक तगड़े फेवर के अंदर जाने वाली है। जी हाँ, अब सुन लो प्राइजिंग आप, तो प्राइजिंग होने वाली है 11.5 लाख या फिर 11 लाख से लेके 17.5 लाख। दोबारा से सुन लो, 11 से 17.5 लाख, मतलब आपको हाफ ऑफ द नेक्सॉन कवर हो जाएगी और फुल ऑफ द कुशाक वगैरह के जो सेगमेंट की गाड़ी है वो कवर हो जाएगी। तो आप सोच सकते हो कि गाड़ी कितनी इफ़ेक्टिव होगी अपने सेगमेंट के अंदर, और उसमें भी टाटा के कुछ टचेस होंगे, फीचर्स होंगे, बिल्ड क्वालिटी होगी, टाटा का एक भरोसा होगा जो अभी लोगों के अंदर चल रहा है। तो आप मान के चल सकते हो कि गाड़ी कितनी धूम मचाने वाली है। तो आपको ये कैसा लगा ये कंसेप्ट या फिर आइडिया या फिर नया लॉन्चिंग अपकमिंग टाटा की ओर से, कमेंट में ज़रूर बताना। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेना कमेंट में। आज के वीडियो में तो दोस्तों बस इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली वीडियो तक दोस्तों ड्राइव सेफ, थैंक यू।